हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब जो इसका स्प्रेड है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। मतलब क्या है कि पहले तो 40-50 केसेज आया करते थे, लेकिन अब क्या है जो केसेस का नंबर है वो बढ़ रहा है। अब केसेस 100 आ रहे हैं एक दिन में, कहीं 150 आ रहे हैं, कहीं 200, कहीं 250। आज जो केस आए हैं वो लगभग 349 है। तो दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं कि भारत में टोटल कितने केसेस हैं और हर स्टेट में क्या क्या डाटा है, यानी कि ईच स्टेट में कितने केसेस अब तक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो ये डाटा है ये चेक करते हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है mohfw.gov.in पे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो स्टेट में है वो उसमें कितना लोग जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, या कितने लोग जो क्योर हो चुके हैं और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे mohfw.gov.in पे, तो इसमें क्या है कॉर्नर पे दे रखा है स्टेट डाटा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट में कितने लोग कन्फर्म्ड केसेस आए हैं, कितना डिस्चार्ज हुआ या कितने लोग माइग्रेट हुए या क्योर्ड हुए और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो टोटल कन्फर्म केसेज है वो 83 है, जिसमें से एक क्योर्ड हुआ है और कोई भी डेथ नहीं। वहीं अगर आप बात करें अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की, देखिए अंडमान निकोबार आइसलैंड में 10 केसेस हो गए, जो कि एक आइलैंड है। वहाँ पर देखिए जो केसेस हैं वो ही बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए 10 केसेस हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी 23 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से एक की जो डेथ हो चुकी है वो 38 ईयर ओल्ड एडल्ट था, लेकिन उसे कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में 13 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वहीं के छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे 9 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में 120 केसेस आ चुके हैं। तो दिल्ली में जैसा कि आप जानते कि ये जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाद जो भी चल रहा था, मतलब जहाँ पे बहुत से मुस्लिम पीपल इकट्ठा हो गए अपने जो इस्लाम धर्म को प्रमोट कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पूरे जो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे, वहाँ से जितने भी नागरिक आए थे वो सब उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और उसके बाद वो सब क्या हुए थे, वो सब अपने अपने स्टेट में वापस गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बहुत से लोगों को इन्फेक्ट किया। जैसे कि तेलंगाना में देख सकते हैं कि तेलंगाना में 6 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, और वो वहीं से आए थे जहाँ पे ये पूरा इस्लाम धर्म जो प्रमोट किया कर रहा था, जो भी मीटिंग हो रही थी। तो देखिए दिल्ली में इसकी वजह से क्या हुआ, जो केस है वो 120 हो गया, जिसमें 6 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोग की डेथ हो चुकी है। वहीं बात करें गोवा की, तो गोवा में 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं अगर बात की गुजरात की, गुजरात में 74 लोग पॉजिटिव हैं, वहीं 5 लोग क्योर्ड हो चुके हैं और 6 डेथ हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 43 केसेस हैं, जबकि 21 डिस्चार्ज हैं, कोई भी डेथ नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 3 केसेस हैं, एक की डेथ हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में 55 केसेस है, जिसमें 2 क्योर्ड हो गए हैं और 2 की डेथ हो चुकी है। वहीं कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में भी नंबर बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है। तो पेशेंट टोटल कितने हैं, 101, जिसमें से 8 क्योर्ड हो चुके हैं और 3 डेथ हो चुकी थी कि। वहीं केरला देखिए, केरला और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। केरला में 101 है, जिसमें 8 क्योर्ड हुए, 3 की डेथ हो चुकी है। वहीं अगर बात करें हम लद्दाख की, तो लद्दाख में भी ये वायरस पहुंच चुका है। तो वहाँ पर 13 लोग जो है वो इन्फेक्टेड है, जिसमें 3 लोग जो है वो क्योर्ड हो चुके हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ 47 और 3 लोग की डेथ हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, सबसे ज़्यादा जो नंबर है इन्फेक्टेड पीपल का वो महाराष्ट्र में है, जिसमें 302 सबसे हाईएस्ट जो पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही, तो 302 नंबर है, 302 पीपल जो है वो इन्फेक्टेड, जिसमें 39 क्योर्ड हो चुके हैं, 9 की डेथ हो चुकी है। वहीं मणिपुर में 1 केस आया, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 4, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 41, जिसमें से 1 जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है और 3 डेथ हो चुकी है। वहीं राजस्थान में 93, जिसमें 3 क्योर। वहीं तमिलनाडु में 124, जिसमें 4 क्योर्ड हो चुके हैं, 1 की डेथ हो चुकी है। वहीं तेलंगाना में देखिए, इनमें जो 94 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 1 की क्योर हो चुकी है और 3 जो है वो डेथ हो चुकी है। उत्तराखंड में 7, जिसमें 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए नंबर कितना बढ़ गया, 103, जिसमें 14 क्योर्ड हो चुके हैं। वहीं अगर बात की बंगाल की, तो बंगाल में 26 केसेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेज इंडिया में कितने हैं, वो ऑलमोस्ट 1637, यानी कि 1637 है, जिसमें से 133 पीपल जो रिकवर कर चुके हैं, वहीं जो टोटल डेथ है वो 38 है। तो दोस्तों, ये था आज 1 अप्रैल तक का डाटा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।